हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर जो एल्गोरिथम हमें डिस्कस करनी है गेम प्लेइंग से रिलेटेड, वो हमारी कौन सी है? दैट इज अल्फा बीटा प्रूनिंग। ठीक है, चलिए देखिए, मिनी मैक्स एल्गोरिथम जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था उसमें और इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। काम वैसे ही करेगी जैसे मिनी मैक्स एल्गोरिथम कर रही है, बस अल्फा बीटा प्रूनिंग के अंदर में फैसिलिटी ये मिल जाती है कि हमें कुछ ब्रांचेज ऐसी हैं जिन्हें एक्सप्लोर करने की हमें जरूरत पड़ती नहीं है। मिनीमैक्स एल्गोरिथम के अंदर हमें हर ब्रांच देखनी पड़ती है, हर नोड देखना पड़ता है, तब जाके आप मिनिमम और मैक्सिमम लेते हैं। बट अल्फा बीटा प्रूनिंग के अंदर हम कुछ ब्रांचेस को छोड़ सकते हैं क्योंकि उनका रिजल्ट हमें पहले से ही पता चल जाता है कि क्या आने वाला है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, इस एग्जाम्पल को जब हम सॉल्व करेंगे सेम वैसे ही करेंगे जैसे मिनीमैक्स को किया था, बट यहाँ पे हमें पहले से आइडिया लग जाएगा कि कौन सी ब्रांच जो है वो आपको छोड़नी है। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं अल्फा बीटा प्रूनिंग कैसे काम करती है। सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके अल्फा बीटा प्रूनिंग में, वो क्या है? नीड टू एक्सप्लोर लेस नंबर ऑफ नोड्स। जैसे मैंने अभी बताया कि हम कोई ब्रांच छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे जहाँ पे कॉम्प्लेक्स ट्री जो है वो जनरेट होता है, जैसे हम चेस का एग्जाम्पल लेते हैं, चेस में एट ए टाइम बहुत सारे मूवमेंट जो है वो हो सकते हैं, ब्रांचेज हो सकती हैं, उनकी बहुत सारी चॉइसेस हो सकती है दोनों ओपोनेंट के पास। तो ये जो मूवमेंट चेस के अंदर होते हैं ऑन एन एवरेज वो होता है 30^100। एक एवरेज केस की मैं बात कर रहा हूँ। अब आप समझ सकते हैं अपने आप में कितनी बड़ी क्वांटिटी है, कितने मूवमेंट्स जो है एक साथ वहाँ पे हो सकते हैं। तो इस तरह की जो गेम्स हैं उन्हें मिनीमैक्स एल्गोरिथम जो है वहाँ पे यूज में ना लेके हम वहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज में लेते हैं? अल्फा बीटा प्रूनिंग का कंसेप्ट यूज में लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए एक बार स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपके यहाँ पे अल्फा बीटा प्रूनिंग जो है वो यहाँ पे अपनी वर्क परफॉर्म करेगी। क्लियर? एज यूजल हमें कुछ यूटिलिटीज दी हुई है नीचे। ठीक है, सबसे पहले मेन जो है वो अपनी टास्क को परफॉर्म करेगा। मेन क्या करेगा? एज यूजल जैसे मिनी मैक्स में मैक्स बेस्ट मूव लेके अपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, मेन अपना वर्स्ट मूवमेंट जो है लेके यूटिलिटी को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। तो मेन ने क्या किया? दोनों यूटिलिटीज में से मिनिमम को चूज किया। तो मेन यहाँ पे कितना आ गया? दैट इज 3। ठीक है, अब आप मैक्स वाली जो यूटिलिटी है इसको फाइंड आउट करने के लिए ये दोनों यूटिलिटीज हमारे पास होनी चाहिए, बट अभी मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्ट बीटा की जो वैल्यू है अल्फा के अंदर डाल देता हूँ इसमें। हालांकि मैक्स जो है मैक्सिमम लेगा इसमें से, इसमें से और इसमें से। इसकी वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की नहीं है, हमें पता ही नहीं है, हम देखते हैं बाद में, बट इसकी जो वैल्यू थी एज इट इज मैंने अपर वाले नोड के अंदर डाल दी। अब मैक्स जो है वो हमने यहाँ पे 3 डाल दिया, तो ये तो मुझे कंफर्म है कि मैक्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 3। यदि यहाँ पे 3 से ज्यादा बड़ी वैल्यू आती है तो वो यहाँ पे आ जाएगी, और नहीं आती है तो वैल्यू तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मैक्स जो है मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ या तो 3 होगा या 3 से ज्यादा होगा। 3 से कम तो किसी भी सिचुएशन में नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी 3 वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ बीटा को जो है यहाँ पे 2 और 1 में से, वैसे तो मिनिमम जो है 1 आएगा। मैं अभी इस टर्मिनल को एक्सप्लोर ही नहीं कर रहा कि इसकी वैल्यू क्या है, मैंने तो इस वाले टर्मिनल को एक्सप्लोर किया और बीटा की वैल्यू कितनी डाल दी? 2 डाल दी सपोज करिए। तो यहाँ पे मुझे पता है मिनिमम जो वैल्यू हमारे पास, यहाँ पे हमने मैक्सिमम वैल्यू डाली है इसके अंदर। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअल में कितनी आनी चाहिए थी? 1 आनी चाहिए थी। तो आपको इस वाली को टर्मिनल को लेने की जरूरत ही नहीं, इस ब्रांच को एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने मैक्सिमम डाला और मैक्सिमम में कितना है? 2। तो ऑब्वियसली वैल्यू जो है यहाँ पे 3 हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो इस वाली ब्रांच से आपको मैक्सिमम मिलता भी कितना? 2 मिल सकता था। तो इस वाले 1 को आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत पड़ेगी। तो एक ब्रांच हमने छूटी यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे अल्फा हमारे पास कितना है? 3। इसके मैक्स के ऊपर कौन काम कर रहा है? मेन काम कर रहा है। अभी मैं अल्फा की वैल्यू एज इट इज डाल देता हूँ, बीटा के अंदर मैंने कितना डाल दिया? 3 डाल दिया। तो ये तो कन्फर्म है कि बीटा की यदि वैल्यू 3 से कम यहाँ पे आती है तो वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये तो कंफर्म है कि बीटा की जो वैल्यू है वो 3 होगी या फिर 3 से कम हो सकती है। यदि आपको यहाँ पे 3 से कम मिलता है तो वो वैल्यू हम यहाँ पे डालें। चेक करते हैं कि यहाँ पे बीटा की वैल्यू 3 से कम हमें मिल रही है क्या? हाँ, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमारे पास 3 से कम आ रही है क्या? उसके लिए आपको इस ब्रांच को देखना पड़ेगा। इस ब्रांच में देखिए मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 7 और 8 में से 7। तो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू आई वो कितनी है यहाँ पे? 7। अब इसके ऊपर क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे? मैक्सिमम काम कर रहा है। मैंने बीटा की वैल्यू एज इट इज कॉपी कर दी यहाँ से, कितनी?
सेवन, ठीक है। अब मैक्स क्या करेगा, ध्यान से सुनना एक बार, मैक्स क्या करेगा, मैक्स तो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू लेने की कोशिश करेगा, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ अल्फा की वैल्यू या तो 7 होगी या 7 से ज्यादा होगी। यदि यहाँ पे 7 से ज्यादा आता है तो वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, बट बीटा जो है इसके ऊपर है वो तो ऑलरेडी मिनिमम पे है, तो मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे, भी हमने ले ली। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना इस पॉइंट को, मैंने ये वाले नोड के लिए अभी मिनिमम कैलकुलेट नहीं किया, बस इसके बेसिस पे मैंने अल्फा कितना डाल दिया 7, और अल्फा जो है वो किसको डिपेंड कर रहा है, मैक्स को, मतलब यहाँ पे वैल्यू 7 होगी या फिर 7 से ज्यादा होगी, मतलब कम से कम तो 7 आएगा ही, और कम से कम 7 आ रहा है तो ऊपर वाले नोड में हमें क्या चाहिए, मिनिमम। तो ऑब्वियसली मिनिमम तो हमारे पास 7 और 3 में से क्या है, 3 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इसका मतलब आपको इस वाली ब्रांच को जो है वो ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वैसे भी आप कैलकुलेट करके देखेंगे यहाँ पे मिनिमम कितना आएगा, 9, 7 और 9 में से यहाँ पे मैक्स कितना होगा 9, तब भी ऑब्वियसली ऊपर कितना आना है, 3 आना है, तो अननेसेसरी इस ब्रांच को हम ट्रेवर्स करने में अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, तो हमने एक ब्रांच स्किप कर दी, ठीक है। और ऊपर चलते हैं, बीटा की जो वैल्यू 3 आई वो मैंने यहाँ पे सपोज करी एज इट इज डाल दी यहाँ पे कितनी 3। अब जो मैक्स की वैल्यू है यहाँ पे या तो 3 होगी या ऑब्वियसली 3 से ज्यादा होगी, डिपेंड करेगा यहाँ बीटा कितना आ रहा है, ठीक है। अब इस बीटा को कैलकुलेट करने के लिए हम नीचे देखते हैं हमारे पास अल्फा कितना है, इस अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए हम बीटा देखते हैं, और बीटा कितना है आपका 2 एंड 11, 2 एंड 11 में से मिनिमम कौन सा 2, इस बीटा की वैल्यू को आप एज इट इज यहाँ पे डाल दीजिए कितना 2, तो आपने यहाँ पे कितना डाला है, यहाँ पे 2 डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे एक बार जरा, यहाँ पे जो बीटा हमारे पास 2 निकल के आया उसे आपने ऊपर कॉपी कर दिया, अब यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है या तो 2 होगी या फिर 2 से ज्यादा होगी। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू लेके गए 2 और 11, 2 में से हमने मिनिमम 2 लिया और 2 की वैल्यू को एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब यदि बीटा की वैल्यू यहाँ पे 2 से ज्यादा आती है तो वो हम ऊपर कॉपी करेंगे, एक बार देखना हमारे पास बीटा यहाँ पे आ क्या रहा है, बीटा के लिए मिनिमम वैल्यू कितनी है, ये तो है 1, ये 2 है, यहाँ पे मिनिमम आया 1, तो 2 और 1 में से आपने क्या ले लिया, मैक्सिमम वैल्यू 2, 2 जो है वो आपने एज इट इज ऊपर कॉपी कर दी कितनी 2। यहां तक क्लियर हो रहा है सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। चलिए आगे देखिए इसमें, तो यहाँ पे जो मेन हमारे पास निकल के आया बीटा की वैल्यू वो कितनी आई है, तो अब ध्यान देना यहाँ पे जो बीटा हमारे पास मिनिमम निकल के आया यहाँ पे कितना है 3। अब 3 और 2 में से पहली मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 आ चुकी है, अब ये जो बीटा है ये डिपेंड करेगा आपकी मिनिमम वैल्यू कितनी, जो यहाँ से वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है। अब ध्यान से सुनिएगा एक बार, यहाँ पे जो भी मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी वो 2 होगी या फिर 2 से कम होगी, सीधी सी बात है, तो यहां से जो भी वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 2 होगी या फिर 2 से कम होगी, बट ऑलरेडी जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्स को तो मैक्स चाहिए, तो यदि यहाँ पे 2 या 2 से कम आ रहा है और यहाँ पे हमें कितना मिला 3, तो ऑब्वियसली मैक्स किसको चूज करेगा, 3 को चूज करेगा, इसका मतलब इस पूरी ब्रांच को आपको सर्च करने की जरूरत है ही नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है ना, मेन की वैल्यू यहाँ पे 2 है, यदि मैं इसे चेक भी करूं तो यहाँ पे क्या होगा, 2 तो आएगा ही कम से कम, 2 से कम भी आ सकता है, पर यदि यहाँ से 2 से कम आ रहा है तो यहाँ ऑलरेडी कितना है 3, तो हम पहले ही मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 3 ले चुके हैं, तो इसका मतलब देखिए काफी सारी चीजें हमें स्किप करनी पड़ी, और स्किप हम कहते हैं यहाँ पे हमने इसे प्रून कर दिया, दैट मीन्स ये वाली ब्रांच हमने प्रून करी, यहाँ इतना हमें प्रून करना पड़ा, यहाँ इतना हमें प्रून करना पड़ा, ठीक है। तो ऐसा करने से हमारा क्या है, थोड़ा सा टाइम जो है वो बच गया, और टाइम जो है हमारा बचा तो इसका मतलब कम टाइम के अंदर हमने अपनी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर लिया। तो मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया, यदि ट्री बहुत ज्यादा लेंदी होता तो इस तरीके से मल्टीपल ब्रांच प्रून करने से हम काफी सारा टाइम जो है वो अपना सेव कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो या तो वो आपको गेम ट्री बना के देगा, गेम ट्री बना के देते हैं तो आपको इस तरीके से जो है उसे सॉल्व करके एग्जाम के अंदर दिखाना, ठीक है। आई थिंक ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा, फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से डिस्कस करना, जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको मैं सॉल्व कर दूंगा, बस यहाँ पे आप ये ध्यान रखना कि हमने जो प्रून किया है ब्रांचेस को किस तरीके से किया है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।